आप देख रहे हैं एसके न्यूज। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वाराणसी में हुए प्रधानमंत्री के रोड शो पर निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रोड शो में 400 पुलिस वाले शामिल थे और रोड शो कुछ ही देर में खत्म हो गया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले मोदी जी पर लोग फूल फेंकते थे, लेकिन इस बार मोदी जी लोगों पर फूल फेंक रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार बनारस में पड़ी है। तो इतने सर हैं कि कैमरे सर नहीं कवर कर पा रहे हैं और इतना गुलाल उड़ रहा है कि पूरे बनारस में अंधेरा हो गया। अब तक मोदी जी पर लोग फूल फेंकते थे, मगर अब क्या करें, हाय बदनसीबी, खुद मोदी जी फूल फेंक रहे हैं, कोई फूल नहीं। एक सीट भी बनारस में बीजेपी नहीं जीती। बुरके पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भाजपा पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी बुरके वाली महिलाओं को डरा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बुरखा उठाने की बात से मुस्लिम महिलाएं डर जाएं, लेकिन उनमें जोश ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुंह ढक करके आने वाली महिलाएं हिंदू या मुस्लिम दोनों हो सकती हैं। बुरके वाली महिलाओं को डराना कि डर जाएं, कि उनको जाएंगी, उनका अपमान होगा, उनका बुरका उठाया जाएगा, उसकी वजह से वोटिंग कम हो, लेकिन जोश बहुत ज़्यादा है। अगर उनको सही में करना था तो उनको यह कहना था कि जो भी महिलाएं मुंह ढांक के आती हैं उनको चेक करो, वो तो कोई गैर मुस्लिम भी हो सकती है और हिंदू भी हो सकती है, लेकिन पोलराइज करना है कि मुसलमानों की वोटिंग कम हो, लेकिन कहीं भी जोश कम नहीं है। जिले की बिलारी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों का खुलासा किया है। वहीं गिरोह चोरी की वारदात को आसपास में अंजाम दे चुका है। वहीं दो दिन पहले बिलारी में ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए पकड़े गए थे, तो अब पुलिस ने इनसे पूछताछ कर इनको जेल भेजा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाकर प्रदेश ही नहीं देश की जनता को भी बड़ी सहूलियत देने का भले ही बड़ा काम किया हो, लेकिन उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरह से अधिकारी पलीता लगाने में जुटे हैं, इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब बड़ी बड़ी दरारें एक्सप्रेसवे पर पड़ने लगी। एक्सप्रेसवे पर बने पुलों में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। कन्नौज के तिरवा साइड पर जगह जगह जो पुल बनाए जा रहे हैं उनमें 14 से 16 फीट लंबी दरारें पड़ गई हैं, और पुल की जो दीवार बनाई जा रही है वो भी बीच में दरार पड़ने से 3 भागों में बढ़ चुकी है, जो कि कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये बहुत ही आगे चल के खतरा, दरारें पड़ी हुई, जैसा कि अखिलेश सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इससे कोई फायदा नहीं अधिकारी बन रहा है, लोगों को खतरा ही है। और जिन अधिकारियों को ठेका दिया गया लोगों को उसके जांच करवाइए, कड़ी सख्त कार्रवाई की। बाल विकास एवं कल्याण मंत्री मेनका गांधी के क्षेत्र पीलीभीत में मिड डे मील योजना का पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ अधिकतर विद्यालयों में मेन्यू के हिसाब से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा। जो भोजन बनता है उसको खाने से जानवर मुंह मोड़ लेते हैं। बच्चों को नियमित रूप से दूध भी नहीं मिलता। वहीं मीडिया के कैमरे देख स्कूल के शिक्षक ने पत्रकारों से बदसलूकी की। उधर BSA से जब इस मसले पर बात की गई तो कार्रवाई के लिए उनकी प्रतिक्रिया भी कोई खास नहीं थी। अब उस अध्यापक को बुला के उससे पूछा जाएगा कि आपने क्यों ऐसा किया, हालांकि कोई भी जाए और उनको जानकारी देनी चाहिए थी, नहीं दिया, अभद्र व्यवहार नहीं करना किया था। ये सम्मानित नागरिक हैं आप भी, वो भी दोनों को अच्छे व्यवहार के साथ मिलना चाहिए। एक स्कूल है, एक अच्छी संस्थान है, एक अच्छी परंपरा के साथ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। फिर भी उसको मैं पता कराऊंगा। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के सभी कार्यालय एक ही जगह हैं, तो किसान भवन प्रखंड मुख्यालय भी यही है, जिसके चलते यहां रोज सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान इस क्षेत्र में ATM न होने से यहां लोगों को रुपए निकासी की दिक्कतें पैदा होती हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में ATM की मांग है। तो वहीं ब्लॉक चौक पर भी किसी भी बैंक का ATM नहीं है। बवासीर का पक्का इलाज, खून हो या बादी, एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर AM त्यागी, संपर्क करें 9758415216, 9412803030, MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकुलपुर गर्ल रोड, मेरठ।